22 जनवरी सबको याद है ये दिन, अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। सारा संसार इस अद्भुत और परम सुंदर क्षण को देख रहा था। जैसे ही राम लला के दर्शन हमें स्क्रीन पर हुए, हम सबके आंसू छलक पड़े। क्या कहना उस कारीगर के हाथों का जिनके हाथों ने राम लला को इतना सुंदर बनाया। वे सुप्रसिद्ध कलाकार है माननीय अरुण योगीराज जी। कितना प्रेरणादायी क्षण है आज योगीराज जी हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत बहुत बधाई अभिवादन। आमंत्रित करती हूँ श्री जीएल भट्ट आपको भी, राम लला की आपने मूर्ति बनाई है। श्री जीएल भट्ट जी, मैं आमंत्रित करती हूँ रामलला की दूसरी मूर्ति जिन्होंने बनाई, श्री जीएल भट्ट जी, आप हमारे बीच आज उपस्थित है। सादर पूर्वक मैं आपको मंच पर यहां आमंत्रित करती हूँ। मैं आदरणीय मोहन जी से अनुरोध करूंगी आप श्री भट्ट जी का भी सम्मान करें। आइए, लगता है इनकी उंगलियों में राम राम लिखा है, या इनकी उंगलियों को कानों पर रखो तो राम राम की ध्वनि सुनाई देगी। ये कर्नाटक के यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और एक बार कहेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय सर संघ चालक जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय मंच। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। माननीय सरसंघ चालक जी के विचारों प्रति यह श्लोक मुझे याद आ रहा है। माननीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत से अनुरोध है कि वे हमें जीवन पाथेय प्रदान करें। मैं विनम्रता से आपको यहाँ निमंत्रित करती हूँ। परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी महाराज, मंच पर उपस्थित संस्कार भारती संगठन के सभी माननीय पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता गण, सहयोगी गण एवं सज्जन माता भगिनी, कला साधक संगम में कलाओं का प्रदर्शन हुआ। कला आनंद उत्पन्न करती है, उल्लास उत्पन्न करती है। रसिकता से उन सब कार्यक्रमों का हमने अवलोकन किया। जहाँ ताली बजानी थी वहाँ बजाई, कभी हम अवधान देना चूक गए तो ये बताया भी गया कि जोर से तालियाँ बजाइए, वैसा भी हमने किया। स्वाभाविक अभी 22 तारीख को रामलला अयोध्या में आ गए तो उसके परिणाम स्वरूप यदा कदा अवसर मिलते ही जय श्री राम का नारा हो गया। चार दिन में क्या क्या हुआ उसका वृत्त तो हमने सुना ही है। बहुत उत्साह था, बहुत आनंद था, बहुत जोश था, होना भी चाहिए। समापन का एक सत्र ऐसा होता है जिसमें
जोश को अपने हृदय में बंद करके होश की बात करनी पड़ती है। इसलिए अभी आपको ताली बजाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप मत बजाइए। अभी सुनिए शांतता से। संस्कार भारती संगठन मैं मानता हूं कि अब एक स्थिति में आ गया है, उसका एक स्थान कला जगत में भी बन गया है, उसका अपना सामर्थ्य भी बना है। उस सामर्थ्य के आधार पर आगे बढ़ना है तो हमको आगे का विचार करना पड़ेगा। आगे का विचार कोई नया विचार होता नहीं है, क्योंकि कार्य प्रारंभ करते समय उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। कार्य की वृद्धि के चरण अनेक होते हैं, लेकिन कार्य की वृद्धि की दिशा नहीं बदलती, कार्य का गंतव्य नहीं बदलता। और इसलिए अगला विचार यानी नया विचार ऐसा नहीं है। तो कार्य प्रारंभ होने के पहले विचार तो सारा हुआ, परंतु पूरा बताया गया होगा ही ऐसा नहीं है। जैसे संघ के काम में हम देखते हैं, 1925 में संघ की स्थापना हुई, उसके 5 वर्ष पहले डॉक्टर हेडगेवार नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी व्यवस्था के प्रमुख थे। गांधी जी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार उस समय विदर्भ प्रांत कांग्रेस के सदस्य भी थे। तो विषय नियामक समिति में प्रस्ताव क्या होने चाहिए इसकी चर्चा में उनका मत भी लिया ही जाता था। तो उन्होंने 2 प्रस्ताव दिए थे, दोनों माने नहीं गए रखने के लिए, परंतु वो उस समय कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसके बिल्कुल अनुरूप थे। गांधी जी अध्यक्ष थे, पहला प्रस्ताव डॉक्टर साहब का था कि संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी के लिए कांग्रेस ने काम करना चाहिए, और दूसरा था कि संपूर्ण स्वातंत्र्य ये ध्येय कांग्रेस ने घोषित करना चाहिए। तब तक किया नहीं था, करना तो था ही। लोकमान्य तिलक जी, लोकमान्य महात्मा गांधी जी, ये सब मन में यही रख के काम कर रहे थे। लोकमान्य तिलक जी ने कहा भी कहा कि जितना मिलता है उतना लेना और अगले के लिए लड़ाई करना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मन में था ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, मन में तो था ही, परंतु उचित समय पर उचित बात करना, तो उचित समय कौन सा इसके बारे में मतभेद हो सकते हैं। जो तरुण वर्ग कांग्रेस में था, सुभाष बाबू थे, जवाहरलाल जी थे, ये सब उस समय के तरुण थे कांग्रेस में, डॉक्टर हेडगेवार के समकक्ष आयु के थे। तो कलकत्ता कांग्रेस के इसमें भी उन्होंने वो आग्रह रखा था, लेकिन 1920 में, उसके बहुत पहले डॉक्टर साहब ने वो प्रस्ताव दिया, संपूर्ण स्वातंत्र्य कांग्रेस ने इसको अपना ध्येय घोषित करना चाहिए और स्वतंत्र भारत पूंजी के चंगुल से दुनिया भर के पीड़ित देशों को छुड़ाएगा, यह भी घोषित करना चाहिए। यानी संघ स्थापना के पूर्व ही डॉक्टर साहब जो विचार कर चुके थे उसमें भारत का भी विचार था, और भारत के प्रभावशाली अस्तित्व के कारण दुनिया कैसी बनेगी उसका भी नक्शा उनके मन में तैयार था। लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं बताया संघ स्थापन करते समय। उन्होंने कहा संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है। अब करना है तो क्या करना है, रोज शाखा में आना है। मोरोपंत पिंगले हमारे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नीतिकार वही थे। तो उन्होंने एक बार बौद्धिक में हमको बताया, बहुत बाद में, कि हमको अगर शाखा में जाते समय पता होता कि ये सब करना है तो शायद उसी समय हम शाखा में जाना बंद कर देते। डॉक्टर साहब ने वो बताया नहीं, एक एक बात धीरे धीरे चलती आई।
जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, करने की ताकत आई, तब बताया गया कि अब यह करना है। क्योंकि ताकत नहीं है और बड़ी बात करना, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तत्वपंजी इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, क्रमिक उद्घाटन ऐसा कहते हैं। मुझे लगता है कि संस्कार भारती संगठन के जीवन में अब इतना सामर्थ्य हमारे पास आ गया है, हमारा कुछ स्थान बन गया है, तो हमने जो एक लंबा विचार सोचा है, दूर की गोटी का विचार हम कर रहे हैं, उसके अगले चरण में हमको जाना है। वो अगला चरण क्या है, इसको सोचना चाहिए। संस्कार भारती कला क्षेत्र में सबसे प्रमुख संगठन बनेगा ही, क्योंकि सदा सर्वदा हम विस्तार की बात करते ही है, और प्रामाणिकता से कला संस्कृति को साधन मान के देश हित में और संपूर्ण समाज को जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और हम प्रमुख बनेंगे। इसके लिए अलग कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। परंतु बड़ा क्यों बनना है, प्रमुख क्यों बनना है? तो हम लोगों को भारतीय कला जगत में भारतीय कला विमर्श को स्थापित करना है। हम कलाकार हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, दूसरों की कलाओं का प्रदर्शन देखते हैं, रसिकता से उसकी दाद देते हैं, अपनी कला उत्कृष्टता से पेश करते हैं। केवल कला विषय रहता तो इससे समाधान होता, लेकिन फिर उसके लिए संगठन नहीं करना पड़ता। अपनी कला की साधना जितनी उत्कृष्ट है, उतना स्थान अपने आप बन जाता है। परंतु कला संस्कार देने के लिए है, समाज को समरस बनाने के लिए है। एक ऐसा समाज जो संपूर्ण विश्व को स्वम स्वम चरित्रन शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, अपने चरित्र का उदाहरण देकर उससे जीवन की सीख दे, ऐसा मानव समाज अपने देश में, अपने देश के समाज को बनाने के लिए अगर करना है, तो ये कला जगत में कुछ कलाकारों का काम होने से नहीं होगा। संपूर्ण कला जगत का ये काम है, संपूर्ण कला जगत उसका और प्रवृत्त होना है। आज की स्थिति यह नहीं है। कला का यह रोल है, यह भूमिका है सामाजिक जीवन में, इस भावना से सब कलाकार कला की साधना नहीं करते। हम लोग कर रहे हैं, संस्कार भारती के संपर्क में आए, उन्होंने हमको विचार दिया है। हमारे संपर्क में नहीं आए लेकिन विचार यही है, ऐसे भी बहुत सारे कलाकार हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कलाकारों का वर्ग है कि वो प्रामाणिकता से साधना तो करता है, परंतु ये मेरी केवल वैयक्तिक साधना नहीं है। हमारे यहां हर साधना वो स्वकर्म कुसुमों की माला ईश्वर अर्पित करने के लिए होती है। ईश्वर की पूजा कैसे करना, तो अपने सुकर्मों की माला, पुष्पों की माला बनाकर उसको भगवान को अर्पित करना। और भगवान अणुरेणु में भी है और विस्तीर्ण खगोल में भी है, सब जगह भगवान है, सभी भगवान है। इसलिए हमारे यहां अच्छे अच्छे गायक, नामवर गायक, वो अपनी प्रस्तुति के बाद श्रोतृवृंद को झुककर नमस्कार करते हैं। वास्तव में उनका गाना सुनने के लिए आए हुए श्रोता उनको भगवान मानते हैं, लेकिन ये भगवान जो उनको भगवान मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। समाज हमारा आराध्य है, और उस समाज में कला जगत अपनी भूमिका करे तो सब कलाकारों को इसको जानना पड़ेगा, इसके प्रति सचेत रहकर अपनी साधना करनी पड़ेगी। तो फिर कला का विमर्श भारतीय विमर्श हो जाएगा, आज नहीं है। भारतीय कला का विमर्श क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है।
वो सत्य पर चलता है, सत्य को छुपाता नहीं है। गुड़ी गुड़ी ऐसा नहीं होता है, वो सत्य को जैसा है वैसा बताता है, परंतु इस ढंग से बताता है कि उसको जानने के बाद, सत्य का ऐसा दर्शन करने के बाद सारी प्रवृत्ति शिवत्व की ओर मुड़ती है। अभी कला में विमर्श क्योंकि समाजोन्मुख नहीं है, कुछ निरर्थक विवादों में अटक जाता है, या फिर कला का विमर्श समाज में अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए समाज को तोड़ने वाला विमर्श पैदा करने के लिए और मोड़ा जाता है। क्योंकि दुनिया का 2000 वर्षों का विमर्श अस्तित्व के लिए संघर्ष, और बलवान जीतेगा बलवान खाएगा, इन दो तत्वों पर आधारित है। और इसलिए उस विमर्श के चलते जो व्यवस्थाएं चलती आई है उनको वैसा का वैसा कायम रखने में जिनका हित है, वो लोग समाज में हमेशा कुछ न कुछ विभाजन बना रहे, इसी का प्रयास करेंगे। समाज में अभद्रता को ज्यादा सामने लाएंगे। अभद्रता, ये मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, सारी दुनिया इस संकट से पीड़ित है, विचारधारा को छोड़ दीजिए, बाजू रखिए, लेकिन अपने जीवन का मांगल्य, अपने जीवन की व्यवस्था, अपने व्यवहारों का अनुशासन, सब पर आक्रमण सारे देशों के लोग अनुभव कर रहे। सबसे त्रस्त प्रगत देश है, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे अनेक नामों से ये बातें आती है, लेकिन इनका विचारधाराओं से कोई संबंध नहीं। मुट्ठी भर लोगों के अपने स्वार्थ के लिए एक तत्व नहीं, झूठा शब्द जंजाल खड़ा करके उसके माध्यम से सारे देशों को विघटित रखना और अपना उल्लू सीधा करना, उनको अपने प्रभुत्व में सदैव रखना, एक बड़ी कहानी दुनिया में चल रही है, उस पर पुस्तकें लिखी जा रही है, सब लोग चिंतित है इससे कैसा छुटकारा मिले। तो कला के द्वारा मांगल्य स्थापित करने वाला, कला के द्वारा समत्व स्थापित करने वाला, कला के द्वारा समरसता स्थापित करने वाला विमर्श, यह दुनिया में प्रभावी होने के लिए भारत को उस विमर्श को लेके खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि इस विमर्श के पीछे जो सत्य है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, ये जिसका आधार है उस संस्कृति को कला माध्यम से व्यक्त करने वाला विमर्श, वो प्रभावी होना चाहिए अपने देश समाज के लिए, अपने कला के लिए जो ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है उसको सफल करने के लिए हमको ये कर्तव्य मिला है, इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए समाज में आवश्यकताएं हैं, समाज में समस्याएं हैं, उनसे पीड़ित वर्ग है, जिनके प्रश्न है, ये सब नकारना नहीं, ये लेना है, ये हाथ में लेना है, उसमें हम जो कुछ कर सकते करना है, परंतु ये सारा शिवत्व की ओर जाए ऐसा विमर्श स्थापित करना है। उसकी सुंदरता हमारे यहां केवल शिवत्व अथवा केवल सत्यत्व पर हम कला की सुंदरता नहीं नापते, सत्य और शिव साथ चलता है तब कला सुंदर होती है, ऐसा हम मानते हैं, और सत्यम शिवम सुंदरम हमारी कला दृष्टि। अब ये काम करना है, काम करना है तो कार्यकर्ता चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। दैव है, उसका अपना है, समय आने पर ही होता है,
मंदिर की लड़ाई 500 वर्षों से चली लेकिन मंदिर अभी बना। तो किसी का त्याग कम था ऐसा नहीं, परिश्रम कम था ऐसा नहीं, सब ने सब किया, जितना कर सकते उतना किया, बलिदान भी चले गए, परंतु माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो गए। लेकिन ये पांचवा है दैवम च एव दैवम चैव अत्र पंचमम, उसके पहले के चार पूरे करने पड़ते हैं। उसमें एक वैचारिक अधिष्ठान है, जिस विमर्श को लेकर हम चले वो विमर्श है। दूसरा कार्यपद्धति है, तीसरा उस कार्यपद्धति को सफल करने के लिए अनेक प्रकार की प्रयासों की आवश्यकता रहती है। लेकिन ये सब करने वाला कार्यकर्ता होता है, कर्ता। चूहों का पार्लियामेंट आकस्मिक मिल गया, बुलाया गया, क्यों? बिल्ली नाम का एक प्राणी है, वो हमको मार मार के खा रहा है। दूसरे नहीं थे उस समय, चूहे ही थे, और चूहे के कारण दुनिया त्रस्त हो गई, तो ब्रह्मा जी ने बिल्ली को बनाकर भेज दिया। तो बिल्ली दौड़े और क्या, चूहे इतने सारे और बिल्ली एक, तो उसका तो रोज दिवाली दशहरा होने लगा। एक पंजा घुमाया, चार पांच चूहे पकड़ में आ गए, मार के खा लिया, और चूहों का प्राण संकट, तो पार्लियामेंट बुलाया गया, सब प्रकार के चूहे आ गए, बड़े बड़े भाषण हुए, और उस मंथन में से उपाय निकला, बिल्ली के गले में एक घंटी बांधी जानी चाहिए। प्रस्ताव पास हुआ एक मत से, और बहुत आनंद हुआ संसद में बैठे लोगों को कि एक काम की बात तो हमने कर ली, हमने उपाय खोज लिया। और जाने लगे तो प्रेक्षक दीर्घा से एक बूढ़ा उतर आया गेट के सामने, हाथ फैलाकर उस चूहे ने, बूढ़े चूहे ने सबको रोका और कहा कि बहुत अच्छा काम आपने किया है, इतिहास में सुवर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, एक छोटी सी त्रुटि उसको ठीक कर लीजिए। तो बोले क्या? तो बोले घंटी बांधने वाले का नाम भी अभी निश्चित कर लीजिए। वो निश्चित हुआ नहीं, सब ने सबब बताई। और इसलिए मीडिया में इतनी कपोल कल्पित खबरें छपती है आजकल, लेकिन कभी बिल्ली के गले में चूहों ने घंटी बांधी ऐसी खबर नहीं छपी है, क्योंकि करने वाला निश्चित नहीं है तो काम कैसे होगा। तो हमको कार्यकर्ता बनना है। कार्य जब हम करते तो बहुत सी बातें होती है। श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया, इतना बड़ा रणसंग्राम हुआ, उसके बाद विजय प्राप्त हुआ, विजय प्राप्त करने के बाद वानर वीरों सहित अयोध्या लौटे पुष्पक विमान में, और फिर सबका अभिनंदन हुआ, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, नाम पुकार पुकार के, कितना बड़ा समारंभ बता। और सब मस्त थे, एक तो विजय की मस्ती, दूसरा अभिनंदन की मस्ती, सबका उसमें ध्यान था। लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं थे, हनुमान जी कहीं दिखे नहीं। सीता जी ने खुजवाया, बुलाया, हनुमान जी को कुछ देना चाहिए, अपने गले की माला दी, उन्होंने एक एक मोती तोड़कर देखना प्रारंभ किया। लोगों ने पूछा तो कहा कि देखिए मोतियों के लिए मैंने काम नहीं किया है, मोती वगैरह ये होना ही है, और इसको हम वर्ज्य भी नहीं मानते, ये है लोक रीति है, वैसे होगा। परंतु कार्यकर्ता का ध्यान उधर नहीं रहता, वो देखने के मोती मिले उसमें राम है कि नहीं, उधर उनके हृदय में राम बसा था, उन्होंने बाद में दिखा दिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, परंतु राम काज करीबे को आतुर। तो कार्यकर्ता का ध्यान कार्य की ओर होता है, फोटो की ओर नहीं होता है। आजकल आदत है, फैशन है, और हम कला साधक है, कला में प्रस्तुति दिखावा होना ही चाहिए। शो कैसे करना, उसका उसकी अच्छी स्मृतियां फोटो के रूप में संजोनी चाहिए, वो भी एक कला है, ये सब होना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन कार्यकर्ता के लिए उसकी एक मर्यादा है, उसका ध्यान केवल कार्य की ओर रहता है। कार्यकर्ता जो कार्य करता है वो कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता हमको बनना पड़ेगा। कला साधक है, कला एक प्रतिभा है, ईश्वर की देन है, वो हमारे पास है, हम उसकी प्रस्तुति करते हैं,
उसकी स्तुति भी होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन वो स्तुति कानों तक है ठीक है, आंखों तक है ठीक है, उसके अंदर न चली जाए और सर में न घुस जाए, ये सबको प्रयास करना पड़ता है। आप तो कलाकार है, समाज में कार्यक्रम करते हैं, हमारे यहाँ घोष होता है, बैंड होता है, तो संघ के काम का जितना वादन है उतना हम सिखाते हैं, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि मुझे 5 रचना आती है कि 12 रचना आती है, इस पर थोड़ी सी एक एक की ऐठ बन सकती है, बनने दी तो। इसलिए हम एक वाद्य हो गया उसका प्रवीण हो गया कि उसका वाद्य बदलते हैं। अब ये सारी बाधाएं होती है और गुणवानों के लिए विशेष होती है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, सभी मनुष्य इसके लिए और वो अहंकार के लिए बिल्कुल योग्य है, लेकिन अहंकार सबको छोड़ देता है, गुणवानों को पकड़ता है। तो कार्यकर्ता इससे परे होना चाहिए, उसकी दृष्टि केवल कार्य पर। मुक्त संघ वो कार्यक्रम में लिप्त नहीं है, आवश्यक है वो कार्यक्रम करता है, जब तक करना है तब तक करता है, आवश्यकता समाप्त हुई काम समाप्त, फिर कार्यक्रम जिसको काम मिला वो कर देखेगा, मुझे जो काम मिला है उसका कार्यक्रम मैं देखूंगा। इसके लिए अनाहमवादी होना पड़ता है, मैं और मेरा नहीं, संस्कार भारती जो तय करती है वो, स्थान मान प्रतिष्ठा इसकी कोई अपेक्षा नहीं, संगठन के लिए वो स्थान मान प्रतिष्ठा ग्रहण करनी पड़े तो वो भी करूंगा, लेकिन मैं उससे अलग हूं, मैं उससे अलग हूं, ये करना पड़ता है, संगठन ने जहां बिठाया है वहां पर ये होना अनिवार्य है और उसको सहन करना मुझे अनिवार्य है, तो मैं सहन कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं, मुझे वो मोती नहीं चाहिए, मुझे राम से काम है। ऐसा जब व्यक्ति होता है तो वो कार्यकर्ता होता है, और कार्य में बाधा रहती है, कार्य में हमेशा हर कार्य में सफलता मिलती ऐसा नहीं है, हर बार कार्य घुस के करने की परिस्थिति रहती ऐसा भी नहीं है, अपनी वीरता बताने का जिसको शौक रहता है वो जहां घुस के नहीं करना है वहां भी घुस जाता है, या किसी कारण वीरता एक प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा बन जाती है तो झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, इसका भी एक वजन है, इसका भी एक आदर्श है, वो भी एक अनुकरणीय बात है, परंतु कब कार्य उससे यशस्वी होता है तो, शिवाजी महाराज को जब लगा कि स्वराज्य की विजय होने के लिए पीठ दिखाकर भाग जाना आवश्यक है तो उन्होंने कोई संकोच किया नहीं, स्वराज्य की रक्षा के लिए औरंगजेब को पत्र लिखना आवश्यक है कि हम तो आपके ही नौकर है, वैसा पत्र लिखने में कोई संकोच उन्होंने किया नहीं, लक्ष्य स्पष्ट था स्वराज्य संस्थापन, लेकिन उसके लिए नीति उस कार्य को यशस्विता की ओर ले जाने वाली नीति, मेरी अपनी प्रतिष्ठा उससे बढ़ती है कि घटती है इसका विचार उन्होंने किया नहीं, और इस कारण अफजल खान जैसा एक संकट चल के आया तो उनके सूझबूझ में यह आ गया कि मैदान में इससे लड़ना बेकार है, सर्वस्व नाश हो जाएगा, स्वराज्य धरा का धरा रह जाएगा, तो उसको उन्होंने अपने मैदानी इलाके से निकाल कर पहाड़ों में जंगलों में लाया और उसका पूर्ण नाश कर दिया। तब तक बड़ी बदनामी हुई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन्होंने सहन की क्योंकि ये निंदा या स्तुति इससे मेरा क्या संबंध है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी गृहे वसतु गच्छतु वा यस्तेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् प्रथ
प्रवि चलंती पदम न धीरा। सत्य और न्याय के आधार पर जिस पद को ग्रहण किया है उस पद पर अपना धरा हुआ कदम विचलित न हो, इसकी परवाह केवल करते हैं। स्तुति निंदा धन प्राप्ति मान प्राप्ति या नहीं हो, हानि हो उसकी, आप जे ही मरण मरे या मरण भला ऐसा जीना पड़े, लेकिन अगर यह होता है तो हम उसी पर चलेंगे। धृति धैर्य चाहिए, उत्साह भी चाहिए, बिना उत्साह के तो काम होता नहीं, लेकिन उत्साह की भी मर्यादा है, कार्य यशस्वी हो इसलिए उत्साह दिखाना है, नहीं तो प्रतीक्षा करनी है। और इसके बाद भी सिद्धि असिद्धि निर्विकार, सब बातें सब यशस्वी होती नहीं, करते रहना पड़ता है। इसलिए प्रयत्न पुरुषार्थ पूरा किया, निर्दोष किया, कार्य अपने हाथ है, फल प्रभु हाथ है, ऐसे चले। लोकमान्य तिलक जी मंडाले में चले गए 6 साल तक, वापस आने के बाद देखा कि जितनी जागृति की थी सब ठंडी हो गई, कोई भी साथ नहीं है। दूसरे दिन केसरी में उनका अग्रलेख आया, पुनश्च हरिओम, यानी ऐसा हो गया इसलिए अब छोड़ो पुनर्विचार को, ऐसा नहीं, यही रास्ता है, इसी से होगा, इसी से होगा तो फिर से पहले से शुरू करूंगा, अधिक निर्दोष करूंगा। इन कार्यकर्ताओं के गुणों की भी साधना करनी पड़ती है, हर पल इसको ध्यान में रखकर अपना व्यवहार ऐसा रखना पड़ता है, और अपने व्यवहार के आधार पर अपने संगठन में जो सहयोगी है, ये व्यवहार और दोस्ती उनके आधार पर उनको भी ऐसा बनाना पड़ता है। संगठन की असली ताकत संख्या में नहीं है, उसकी बाकी गुणवत्ता में नहीं है, केवल 3 बातें हैं, ध्येय निष्ठा, ध्येय के लिए सब, मेरे लिए नहीं, ऐसा उसका फिर अनुशासन रहता है। कितना भी अच्छा प्लेयर मैं हूं, टीम में मैं हूं, तो हर बार एंट्री मैं ही करूंगा ऐसा नहीं है, कैप्टन बोलेगा किसने एंट्री करनी है वो करेगा, मेरा अनुशासन है, मुझे जो बताया जाएगा मैं मानूंगा। लेकिन ये अनुशासन कैसा है, फोर्स्ड नहीं है, क्योंकि ध्येय निष्ठा भी उग्रता पैदा करती है, अनुशासन भी एक उग्रता पैदा करता है जिसमें जलना पड़ता है, लेकिन हंसते हंसते लोग इसलिए जलते हैं कि उसके साथ आत्मीयता रहती है, ये सब सुसह्य हो जाता है, प्रेम से संबंध हमारे आत्मीयता के रहे, एक दूसरे को बहुत प्रेम से देखने के रहे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए रहे, बैर के मत्सर के ईर्ष्या के न रहे, ऐसे संबंध रहे, उसके लिए आवश्यक वाणी चाहिए, उसके लिए मन वचन चाहिए, उसके आधार पर अपने कार्य के लिए जो आवश्यक अनुशासन है वो स्वयं होकर पालन करते कराते हुए हम ध्येय को सतत सामने लेकर चलेंगे, ये हमारा बल है। इस बल के ऊपर चलते हैं तो फिर और किसी पर हम निर्भर नहीं रहते, फिर हम सत्य पर चल सकते हैं, हमको किसी का लिहाज करने की जरूरत नहीं रहती, ऐसे हमको चलना है तब ये विमर्श स्थापित होना होगा सकेगा। हम इस बल को प्राप्त करने की स्थिति में आ रहे हैं, उसकी साधना हमको करनी पड़ेगी, ये गुणवत्ता उत्पन्न करनी पड़ेगी। उसके बलबूते अपने समाज में तरह तरह के कलाकार है, उनको जोड़ना पड़ेगा, समाज के तरह तरह की समस्याएं हैं, कला के द्वारा उनको उचित प्रबोधन मिले और समाज का मन बदले, जिनको जगह नहीं उनको जगह मिले, जो अपने थे चले गए उनको वापस लाया जाए, ये सारी बातें होती रहे उस प्रबोधन के बल पर, ऐसा प्रबोधन हमको आगे करना पड़ेगा, उसके लिए नई योजनाएं हाथ में लेनी पड़ेगी, और उसके आधार पर हम आगे चलते हैं तो कला संस्कृति के क्षेत्र में भारत का विमर्श स्थापित होगा, जो सारी दुनिया को उनके लिए एक नया विमर्श देकर उसके आधार पर संपूर्ण दुनिया में
मंगल की बात बुलवाएगा, अमृत के बोल बुलवाएगा, मन वचन और कर्म से सारा विश्व सुसंस्कृत बनेगा, मानवता बंधुभाव को मानकर चलेगा, सबको जोड़ लेगा, सबको साथ लेके आगे बढ़ाएगा, तो विश्वगुरु भारत सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस प्रकार के विश्व का निर्माण कर रहा है। यह बात होती हुई हो सकता है हम अपनी इसी जिंदगी में देख सकेंगे, ऐसा हम बढ़ सकते हैं, इतना अपना बल बढ़ा है। आगे का विचार आप कीजिए।